ही गाइस, स्वागत करते हैं हम किट्टो ब्लॉग्स के चैनल पे। तो यहाँ पे बाबू को मैंने फीड कराया, फिर उसके बाद बाबू सो रहा है। किट्टो तुम ब्रेड नहीं खाएगी, ब्रेड मंगवाई थी, तुम रस खा रही हो, ब्रेड खत्म कर दी ना। चलो खत्म कर, फ्रूट्स खा लो कुछ। ये ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए, मम्मी ने खाना पैक कर दिया। टोकरी लाया था ये, और ऐसी टोकरी में फ्रूट इसको टेबल पे रखा करो मम्मी, इसको फ्रूट्स वगैरह ऐसे टोकरी में रखो, अच्छा लगता है, थोड़ा स्टैंडर्ड सा लगता है। वो भी था ना पपीता, पपीता मम्मी बाहर ही रखी है, फ्रीज में रखे थे, बाहर निकाल के खाएगी ना। हां ठंडा हो गया, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। अभी मम्मी दी तो खा ली हम, देर अरे मेरा पेट है, पेट के बराबर, मतलब जितना पेट में खाएंगे ना। यहाँ पे सो रहे हैं, अभी इनका फिर से मिज्जू होगा, फिर इनका कपड़ा। आज ये ऐसा उल्टी की है कि सारा इनके नाक में घुस गया था बेचारा, एकदम लस्त हो गया कि उल्टी करके। बिट्टू नहीं, ये ना ये दूध पिलाए थे, और दूध पिलाए मैं ली, तुरंत ढकारा, फिर लग रहा है सही से नहीं ढकार पाया, उसने तुरंत करके तुरंत नाक वक में घुस गया था, तो तुरंत हम साफ किए। इसका लिपवा पता नहीं क्यों ना इसे उठा रहता है मेरी तरह उबड़ खाबड़, ना मुझे अच्छा दिए भगवान लिप, ना मेरे बेटे को उबड़ खाबड़ दे दिए। सही कर लो, अभी तो सही हो जाएगा उसका। इनका 9 तारीख को ये 2 महीने के हो जाएंगे ना। अभी तो टाइम है, अभी आज 25 तारीख है, 25 क्या हो बेटा? बाबू तुम जल्दी बड़े जाओगे, जल्दी बड़ा नहीं करना इसको, आराम आराम से बड़ा हो ये। सही बात, इसको खूब प्यार करना है, दुलार करना है। सही बात है, दुलार करना है, प्यार करना है, यही सब तो करना है। तो वहाँ पे चलेंगे कि जाने? ये तो एकदम मम्मी जैसा लग रहा है। हाँ वहाँ चलेंगे कि जाए, तो बाबू छोटा है, मुझे तबीयत अच्छी, तबीयत भी डाउन है, देना जैसा होगा तबीयत ठीक रहेगी तो फोन कर देना, आ जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं, मतलब नंदा से नहीं, मत तबीयत आज मुझे ठंडी भी बहुत लग रहा है, और तबीयत ठीक लग रहा है। ये पूरा मेरा देखिए क्या क्या रखा हुआ है, दवा, दुआ, शैम्पू, तेल, कंडीशनर, फेस वॉश, लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, मस्कारा सब है इसके अंदर, सब कुछ रखा हुआ है। किसी का कॉल आ रहा है गाइस, ब्लॉग में बने रही है अभी थोड़ी देर। यहाँ पे इनका नहाना धोना हो गया है, मतलब पोछा गया है, बाप रे पंखा चालू हो गया, पता ही नहीं चला ये भी। ये कपड़े पड़े चेंज कर लिए हैं, और जो कपड़ा छोटा हो रहा है मैं सोच रही थी पहले उसको मैं पहना देती हूँ, फिर उसके बाद मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, बाप रे आजकल तो मालिश कराने में बहुत रोता है, चुप ही नहीं होता। और इनर मैंने पहना दिया क्योंकि थोड़ा ठंड है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बेटे को मेरे ठंड लग जाए। और ये बस जब से पैदा हुआ है एक ही बार नहाया है, दो मैं पर करती हूँ सही से, दो आ जाओ ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। अरे पर ये अंदर जाएगा ना, ऊपर थोड़ी ना रहेगा। अच्छा, वो चलो अंदर कर देना। ऐसे अंदर करके रेडी हो रहा है, आज रेडी होकर के मेरा बाबू कहाँ जाएगा, टाइट है क्या देखते हैं, लो देखो इधर देखते हैं हम। बाबू नानी तैयार कर रही है, हाँ बड़े दिन बाद बाबू का बाल झाड़ा जा रहा है क्योंकि इसका कंघी ही नहीं मिल रहा था, एक दो कंघी था जबकि मम्मी इसी का भी कंघी है ना। हाँ ये इसी का है, उसमें का है ना जॉनसन, अरे हिमालय वाले में से। हो गया देखो मेरे बाबू का बाल, अभी पाउडर नहीं लगा है, यहाँ कैसे ये नेल लगा देता है ना, या फिर मेरे इससे लग जाता होगा, ये ऐसे से मेरे कान पे करता है, इतना मोटा हो गया। देख पाउडर दो, अली बापली अली लावली अली लावली। बाबू का बाल कैसे झाड़ा जा रहा है गाइस, देख सकते हो बाबू कैसे पी रहा है, जबकि पी लिया है दूध तब पर भी एकदम चिपटा दी है मम्मी बलवाई इसका,
वाले बहुत बाबू है। कमेंट आ रहा है हाथ से पाउडर नहीं लगाते हैं। ये लो वो पाउडर पीछे है, दे रहे हैं। को हमने दूध पिला दिया लेकिन ये अभी तक ढेकार नहीं दिए हैं, तो ये इनको हम ढेकार दिलाने के लिए ऐसे घुमा रहे हैं। ये ढेकार दे दे, ढेकार दे दे पापा, ढेकार दे दे। ये भगवान उठ गए क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटू। नानी ने फल काट के दे दिया है, उठ गए। तो गए थे, मुझे कुछ रील्स बनाने थे और मतलब नहीं कुछ वीडियो बनाने थे, जिसके वजह से मैं कपड़े चेंज करके बनाने लगा। और समझ में नहीं आता मैं कौन सा ड्रेस पहन के बनाऊं, कौन सा नहीं, रोना नहीं क्योंकि देखो बाबू देख लो वेट बढ़ने। ओ बाबू आज कजरा उठा लगाया है इतना बड़ा बड़ा नेल। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि बाबू का नेल कट कर दो, क्योंकि अभी छोटा है तो बहुत डर लगता है कट करने में, कहीं चमड़े वगैरह पकड़े गए तो डर लगता है। और मम्मी को मेरी थोड़ा सा कम दिखता है, और मम्मी का काफ़ी दिन से काटी हुई थी तो उनको दिखाएं तो सोचती और वो डरती हैं। और जो आप लोग बोल रहे थे कि फूंक दिया करो, तो मैं फूंकती हूँ संडे और मंगलवार को ना, पर नहीं जाता है नेल, वैसे कि वैसे ही रहता है। काटते हैं, अगर ऐसा थोड़ी ना कि नहीं नहीं काटते हैं, तो लेकिन उस दिन काट रहे थे, रो रहा था खूब, तो एक हाथ का काटे थे, एक हाथ का नहीं काट पाए। और दूसरे फिर कल परसों वीरवार पड़ गया, कल याद ही नहीं आया, फिर सैटरडे पड़ गया, कल संडे है तो कल कट कर देंगे। बहुत कमेंट आया, मैंने कमेंट बॉक्स ही बंद कर दिया, बाबू का नेल काट दो, बाबू का नेल कट कर दो, बाबू का नेल कट कर दो, बाबू का नेल कट कर दो। दिन भर नानी के पास, तो नानी का गोद समझता है, उनके पास शांत रहता है। चली जाएंगी तो खूब रोएगा। मुझे पहचानते ही नहीं है कि मैं मम्मी हूँ। अब मेरा मेरे पास होता है बेटू, जब खाता है तब इसकी मम्मा को मैं बुलाती हूँ, तो मैं दूध उसको देती हूँ। चलिए गाइस थोड़ा सा ब्लॉग बने रहिए, मैं सब मोबाइल चार्ज करती हूँ, चार्ज नहीं है। इनको जब तक गोद में लिए रहो सो जाएंगे, जैसे ही लेटा दो इनका नखरा चालू हो जाता है, तबाही मचा रखे हैं, परेशान कर दिए हैं कि दिन भर सोए थे नेल से ऐसे ऐसे से खरबोट खरबोट के नेल, ऐसे ऐसे करके नेल, ऐसे ऐसे करके इतना परेशान करा था, न तो खुद सोता है चैन से, न खुद दूसरों को सोने देता है, इतना शरारती है ये ऐसे। इसलिए इसको देखो हाथ में ये लगा रखे, कल संडे तो कल कट करेंगे, ऐसे 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 कर करके देख रहे हैं, जबकि दूध पिया है पता नहीं कितना इसको भूख लगता है, समझ में नहीं आता, तबाही मचा रखे हो पैदा होने पर। बाबू क्यों परेशान करते हो बेटू, ये देखो देखो पूरी दुनिया देख रही है, अब परेशान कर करके रख दिए हो एकदम। चलो गाइज इनको हम कुछ करते हैं, इनको शांत कराते हैं, इनका शांत होने का एक ही तरीका है, दूध पिलाओ, गोद में लो, थोड़ा टहलाओ, तब ये शांत हो जाएंगे। और अपने पापा से कंप्लेन कर रहे थे। अरे बाप रे, ज्यादा ज्यादा सीरियस हो गए, ज्यादा सीरियस हो गए। अब नहीं, बाय बाय।